दिशा क्लासेज से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो आज जैसा कि आपने एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में एक्सक्लूसिव के रूप में कटिंग देखी होगी दैनिक सवेरा में कि हरियाणा लोक सेवा आयोग पीजीटी पदों के लिए स्किल टेस्ट इसी महीने संभव, उसी के अंदर लिखा था सहायक प्रोफेसर पदों के लिए परीक्षा सितंबर अक्टूबर में संभव। तो उसको लेके कंटिन्यूस बार बार बच्चों की एक तो वो न्यूज़पेपर कटिंग मेरे पास भेज रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं वो कटिंग मेरे पास भी आ गई थी, 13 अगस्त की कटिंग है वो। तो क्या सर सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम है? तो देखिए इसमें दो चीज़ों पे मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले हमने कहा था कि पीजीटी का एग्ज़ाम पहले होगा और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम उसके बाद होगा, और इसकी न्यूज़पेपर की सोर्स है नो डाउट वही यूट्यूबर से तो अच्छी सोर्स होती है, एक इतना बड़ा प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर अगर कोई चलाता है तो उसकी जो न्यूज़पेपर के सोर्सेज हैं वो थोड़े वाइड होते हैं, थोड़े गहराई तक होते हैं। तो सितंबर तक वो लोग पीजीटी का एग्ज़ाम करा के अक्टूबर तक असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कराने की भी तैयारी कर रहे हैं, ये बात न्यूज़पेपर में लिखी है। साथ में इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि जो नेट का एग्जामिनेशन यूजीसी नेट रद्द हुआ था उसके एस्पिरेंट ने एचपीएससी से डिमांड की है भाई पेपर रद्द होने में उनकी कोई गलती नहीं है, तो दैट्स वाई उनको पनिश ना किया जाए, उनके स्थान पर उनको भी शामिल होने का मौका दिया जाए एज ए क्वालिफाइंग कैंडिडेट। अगर क्वालिफाइंग नहीं होंगे तो ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगी। तो हालांकि उसको लेकर न्यूज़पेपर ने भी साफ कह दिया और हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि एचपीएससी के पास इस प्रकार का कोई प्रपोजल नहीं है कि किसी आगामी ऐसी परीक्षा का वेट किया जाए जो हर लगभग 6 माह से दोबारा होती है। तो वो तो देखो मुझे भी बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है, बुरा ना माने जो लोग इस चीज़ के अभ्यर्थी, अगर उनको बुरा लगता है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन वो बड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा है। लेकिन मैंने आपको कहा था सितंबर लास्ट में या अक्टूबर के अंदर किसी भी समय जिन सब्जेक्ट में नंबर ऑफ एप्लीकेंट काफ़ी ज़्यादा कम होंगे और जिनका सीधा रिटर्न एग्जामिनेशन होगा यानी जिनका मेंस होगा वो शुरू किया जा सकता है, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट है, सरकार चाहेगी कि ये प्रारंभिक दौर में प्रवेश कर जाए ताकि अगर सरकार रहे रिपीट हो, या मैं वो फिर कहता हूँ जनता निर्धारित करेगी या नई बनेगी या यही रिपीट होंगे, उस स्थिति में भर्ती के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। लेकिन जिन सब्जेक्ट के साथ नंबर ऑफ अभ्यर्थी बहुत अधिक संख्या में है उनका स्क्रीनिंग और स्क्रीनिंग कराने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन मैं एचपीएससी के इतिहास से अच्छी तरह वाकिफ हूँ कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अगर चाहे तो 30 डेज के शॉर्ट नोटिस पे स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम किसी भी सब्जेक्ट का कराने की कुव्वत रखती है, करवा सकती है, क्योंकि आजकल बड़ा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म हो गया है, इतने सिक्योरिटी डिवाइसेज इस्तेमाल होते हैं परीक्षाओं में कि वो आउट होने का चक्कर ख़त्म हो गया, सेंटर्स हैं वो इतने भरोसेमंद ले लिए कि वहाँ से पेपर आउट होने की गुंजाइश लगभग नगण्य कर दी, तो 30 डेज के शॉर्ट पीरियड पर वो एग्ज़ाम करवा सकते हैं। और एक अगर रिपोर्टेड न्यूज़पेपर इस बात को कह रहा है तो आप लोगों को मानना चाहिए। मेरा कहना है कि ये मेंस तो डेफिनेटली किसी न किसी सब्जेक्ट का होगा जिनमें नंबर ऑफ एस्पिरेंट कम है, कुछ सब्जेक्टों का स्क्रीनिंग है वो भी सितंबर अक्टूबर में करवाया जा सकता है, इससे बिल्कुल भी इनकार ना करें, आप अपनी तैयारी में जुट जाएँ, किसी प्रकार की ढील ना बरतें। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके लगातार मैसेज आ रहे हैं, बस मैं 1-2 दिन के अंदर थोड़ा सा फ्री होके और ये आप लोगों को एक ग्रुप बना के उसमें ऐड कर दूंगा, तब तक के लिए प्लीज़ धैर्य बनाए रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।